कल बिहार के लिए एक बेहद अहम और खास दिन है, क्योंकि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी पटना में होंगे और पूर्वी प्रक्षेत्र की जो बैठक है, 26वीं पूर्वी प्रक्षेत्र की बैठक जो है वो पटना के मुख्यमंत्री सचिवालय में बुलाई गई है। और ऐसे में इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो तेज़ है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में जो पूर्वी प्रक्षेत्र की बैठक है वो मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित की गई है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और बंगाल की मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी, वो इस बैठक में शामिल होंगे। और ऐसे में इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। जो पूरे इंतज़ाम है वो किए जा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक चौबंद है, पुलिस की तैनाती कर दी गई है। तो कहीं कल जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पटना में होंगे, मुख्यमंत्री सचिवालय में जब बैठक करेंगे, तो ऐसे में इसको लेकर सुरक्षा में किस तरह की कोई चूक ना हो इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और जो अग्निशमन वाहन है, एम्बुलेंस है, उन सबों को तैयार कर दिया गया है। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो पूरी तरह से तैयारियां इसको लेकर कर रहे हैं। और जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक होगी उसमें जो पूर्वी राज्य हैं उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो की जाएगी कि किस तरह से बिहार का, बंगाल का, उड़ीसा और झारखंड का विकास हो, कृषि के क्षेत्र में हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में, इसको लेकर केंद्र से कैसे उन्हें जो है केंद्र कैसे इन राज्यों की मदद करें, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो बैठक है वो होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात होगी, क्योंकि कई बार जब बैठकें हुई है तो उस दौरान जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद नहीं जाकर अपने दूसरे नेताओं को भेज देते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस बैठक में शामिल होंगे। और जिस तरह से जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जो है वो उठ रही है, तो ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने एक बार फिर से प्रस्ताव रखा जा सकता है। हालाँकि ये बैठक सरकारी बैठक है और इसमें जो निजी विचार हैं वो व्यक्त नहीं किए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार लगातार जिस तरह से ये मांग करते हैं कि हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए जिससे बिहार का विकास होगा, तो ऐसे में एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने नीतीश कुमार इस बात को रख सकते हैं। हालांकि एक बार फिर से हम आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं कि कल जब गृह मंत्री अमित शाह आएंगे तो उनके आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है। सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तरह से चाक चौबंद है। और जो 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक है इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो तेज़ हैं। संवाद भवन 4 देशरथ मार्ग पटना में ये जो बैठक है वो की जाएगी। यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ी बड़ी बैठकें करते हैं और इसी संवाद भवन में देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो बैठक करेंगे। और जो बैठकें होंगी उसमें कई महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चाएँ होंगी कि आखिर किस तरह से इन 4 राज्यों का विकास हो, जो कृषि है, शिक्षा है और तमाम अन्य चीज़ें हैं उसका किस तरह से विकास हो, और केंद्र जो है वो कैसे इन 4 राज्यों को मदद कर पाए, और इसको लेकर जो चर्चाएं वो होगी। और ऐसे में मुख्यमंत्री जो हैं 4 राज्यों के मुख्यमंत्री वो अपनी समस्याएं रखेंगे और केंद्र की ओर से क्या कुछ सहयोग होगा ये जानकारियां जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे। हालांकि इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आने की पुष्टि नहीं है, उन्होंने इसमें आने की हामी अभी तक फिलहाल नहीं भरी है। लेकिन अब देखना होगा कि कल क्या होगा। कल जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार एक साथ मिलेंगे तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के साथ साथ क्या विशेष राज्य का दर्जे की मांग जो नीतीश कुमार लगातार केंद्र से करते रहे हैं, तो क्या एक बार फिर से ये मांगे भी इस बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने नीतीश कुमार रखेंगे क्या, ये तमाम सवाल हैं। और खासकर बिहार का विकास कैसे हो इसको लेकर केंद्र से नीतीश कुमार एक बार फिर से मदद भी मांगेंगे। और कहीं ना कहीं बिहार का विकास कैसे हो इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन में जो भी बातें हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी बाधाएं हैं, बिहार के विकास में जो भी रुकावटें आ रही हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो बताएंगे कि आखिर केंद्र जो है वो बिहार की मदद कैसे करेगी। विशाल भारद्वाज, NBC 24 न्यूज़, पटना।